God. Seated Samadhi Meditation. Ahar, Vihar, Vayam, Vichar, Seated Samadhi and Meditation. Good morning, good day. हमारी सुबह सुंदर विचार के साथ जागरूक हो रही है। आज के संडे में आपका डॉक्टर सचिदानंद आभारी। आहार, विहार, व्यायाम, विचार, शील समाधि एंड मेडिटेशन। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम भगवान बुद्ध से। इस तथागत सम्यक संबुद्ध से युद्ध वंदना के साथ बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो भगवतो अरहतो समुदाश बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाता वीर
सिक्खपदं समादियामि आम बनते साधु 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 आपका कल्याण हो। इस सुंदर सुबह के साथ आपका हार्दिक स्वागत। मेरे दोस्तों, आहार विहार व्यायाम विचार शील समाधि और मेडिटेशन, नमो बुद्धाय।
नमो तस्य भगवतो हरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो 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 सम्मा संबुद्धस्य।
संडे की मॉर्निंग पर आपका हार्दिक स्वागत। 2:02 में आपकी सुबह के साथ आहार, विहार, व्यायाम, विचार, सील समाधि और मेडिटेशन। दोस्तों, आहार हम प्राणी मात्रा पर दया कर रहे हैं। हर प्राणी जीने के लिए तड़प रहा है। हर मनुष्य प्राणी, पेड़ पौधे, कीटक, अभी सभी सूक्ष्म जानवर हर को डर है। सादी चिट्ठी हो, मकोड़ा हो, अगर उसको आप दिखे तो आपको डरता है। हर चीज मनुष्य को डरती है, सांप हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ हो, पेड़ भी मनुष्य को डरते हैं। पेड़ देखते हैं जो पानी डालता है उसको आशीर्वाद देते हैं, जो खत देता है उसको आशीर्वाद देते हैं। हम बड़े पेड़ से बड़े बड़े पौधों को गिरा डालते हैं। सुंदर जमीन करने के लिए हम नए पेड़ लगाते हैं, पुराने खत्म करते हैं, नए वास्तु तैयार करते हैं। जिंदगी ऐसी है दोस्तों, एक में का डर है जिंदगी में। जिंदगी सनभंगुर है, कब किसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी उसका भरोसा नहीं। ये जिंदगी दुखी है, दुख से भरी हुई है, जहां वहां दुख है और मनुष्य दुख के साथ भी जीता है, वो तो पैदा ही होता है दुख के साथ में और दुख के साथ मरता है। 3 बातें हैं, दुख के साथ जीना, हमारी एंट्री ही दुख के साथ आती है। जिंदगी दुख के साथ में जीती है और संसार में जीने के लिए कावड़ कष्ट करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, काम वासना से भरा हुआ शरीर, पौधे के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ के ऊपर तितलियां, इधर का सुगंध उधर होती है और नए फूल पौधे पैदा होते हैं। हवा में टकराते हैं फूल, वो भी एक प्रकार का काम वासना है। कुत्तों का झुंड एक कुत्ते की तरफ, वो भी काम वासना है। मनुष्यों के विचार, मनुष्यों के आहार, मनुष्यों के विचार और मनुष्य की दुर्दृष्टिकोण की कल्पना काम वासना की तरफ बढ़ती है। जिंदगी काम वासना से भरी हुई है, मरते दम तक काम वासना। मन ही किधर है, मन को कंट्रोल में करने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है और मेडिटेशन एक ऐसा उपाय है जो समृद्धि देता है। मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। गुनगुने पानी के साथ में जिंदगी के
खुश के साथ जीना, यही जिंदगी है। सुंदर आवाज में सुंदर संगीत के साथ जिंदगी है। कई दिन कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की सूरज दोस्तों, ये जिंदगी गम से भरी हुई जिंदगी, दुख से भरी हुई जिंदगी, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन छुड़ाए, चुप कैसे आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन छुड़ाए, चुप कैसे आए, मेरे ख्यालों में आंगन से सपनों के दीप जलाए, कभी मेरे दिल में ख्याल
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। संडे के साथ मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड देन रिटर्न द संडे आहार विहार व्यायाम विचार सिर्फ समाधि मेडिटेशन दोस्तों, ये जिंदगी है। ये जिंदगी में अकेला चलना है। जिस तरह से आए हो, अकेले आए हो, दर्द लेकर आए हो, तो अकेला ही चलना है। तो आओ दोस्तों, एक सुंदर आवाज के साथ में। सॉरी माय डियर सब लोग, क्योंकि नाइट का पिंक फ्राइडे सेल इज ऑन। खेला चल अकेला चल अकेला मेला में से छुटा रहे चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छुटा रहे चल अकेला
रो रही लगे रात ते बुलाते को बुलाते अकेला चल अकेला अकेला लाली से जोता लाली चल अकेला चल अकेला चल अकेला अकेला लाली से जोता लाली चल अकेला जिंदगी में अकेला ही चल रहा है दोस्तों। ये दुनिया किसने बनाई? कोई कहते हैं कि पत्थर ने दुनिया बनाई, कोई कहते हैं कि ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, कोई कहते हैं यीशु ने दुनिया बनाई, कोई कहते हैं अल्लाह ने दुनिया बनाई, कोई कहते हैं जैन ने दुनिया बनाई। ए मेरे साथी, किसने दुनिया बनाई? दुनिया में क्या रखा है दोस्तों? हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, लेकिन हमारे माँ बाप को हमारे नाना ने पैदा किया, नानी ने पैदा किया। ऐसे नाना नानी कहीं ना हुई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे वसूद है मेरे साथियों? ये दुनिया एक सर्कस है दोस्तों। ये दुनिया एक सर्कस है, और सर्कस में आना है, जाना है और जीना है। ये दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में बनाई? प्योरेट कॉपर आरो, कॉपर से भरपूर आरो वाटर, क्योंकि कॉपर आपकी इम्यूनिटी को चार्ज करता है। प्योरेट कॉपर आरो। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में बनाई?
एक दुनिया बनाई, एक है एक दुनिया बनाई। आने वाले तेरे मन में सगाई, एक दुनिया बनाई, एक है एक दुनिया बनाई। बनाया तूने माटी के पुतले, आए गए पुतले, क्या बनाया तूने मैया के मेला, ये बनाया तूने दुनिया का खेला, ये बनाया वाणी का मेला, जो बनाया तेरे को दुनिया बनाई, को दुनिया बनाई वाले जमीन समाई, को दुनिया बनाई, को दुनिया बनाई। समाधि और मेडिटेशन, गुनगुने पानी के साथ आपकी सुबह की शुरुआत होती है। मेरे साथियों, हमारा आहार पानी से युक्त, जितने हम दिन से दिन मेडिटेशन की ओर जाएंगे, हम ऑटोमेटिक वेज बन जाएंगे, और वेज जिंदगी का सबसे बड़ा अच्छी बात है। इस ब्रह्मांड ने हमें काजू किशमिश से लेकर बादाम से लेकर एप्पल से लेकर हर फ्रूट दिए हैं, हर फ्रूट्स हमारे लिए है, लेकिन हमारी इच्छा उस प्राणी को काटने को होती है, और वही हमारी जिंदगी का आखिरी होता है। हम जितने पशु को काटेंगे उनका भी पाप हमें लगना है, उनका भी दर्द हमें लगना है, उनका दर्द लगना है,
हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा व्यायाम, हम कहाँ रहते हैं इस पर भी बहुत डिपेंड है। आहार तो अच्छा होना चाहिए, शुद्ध दूध का, शुद्ध मन का, शुद्ध विचार का आया, उसके साथ में व्यायाम होना चाहिए और अच्छे विचार होना चाहिए, अच्छे सील होना चाहिए, अच्छी समाधानी होना चाहिए, अच्छी समाधि के लिए अच्छी सील चाहिए और फिर मेडिटेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। दोस्तों, हम मेडिटेशन के साथ, सुंदर म्यूजिक के साथ मेडिटेशन शुरू करते हैं। सीधे बैठिए, सीधे बिल्कुल टाइट, हमारी रीढ़ की हड्डियां सीधी है, वही बीमारी का धक्कड़ है, हमारी गर्दन सीधी है। आओ हम सीधे पोजीशन पर 5-10 मिनट इस म्यूजिक के साथ बैठना चाहते हैं। दिस इज मेडिटेशन। रेन, पहाड़ी का मिलाप, सुंदर वातावरण में बैठे हैं, हमारा मन पहाड़ी के झरनों के ऊपर, श्वास लो, श्वास छोड़ो। सुंदर फूल भरे धरती के वातावरण में, नीला पानी, नीला आकाश, बहते हुए झरने, पेड़ से टकराते हुए झरने, चिड़ियों का आवाज, सुंदर चिड़िया पेड़ पर बैठी है, गीत गाती है मेडिटेशन का, गीत गाती है मेडिटेशन का। चिड़ियों का घूंघट, कलर भरा लाइफ, डालियों में बैठता लाइफ, खिलाड़ी का छोटे छोटे खाने वाली बातें, अरे ब्रह्मांड क्या सुंदर जीवन है। इस सुंदर जीवन को देखने के लिए हम तड़पते हैं। सुंदर सुनने के लिए हेडफोन का सहारा लो, टेक योर हेडफोन एंड क्लोज योर आईज, टेक योर हेडफोन रिलैक्सिंग म्यूजिक, द स्ट्रेस रिलीफ म्यूजिक, स्लीपिंग म्यूजिक, द मेडिटेशन। मेडिटेशन
इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। आपके विचार वृक्ष की तरफ जाते हैं, अच्छा विहार हो, अच्छा आहार हो, अच्छा व्यायाम हो, अच्छे विचार हो, अच्छा सिर हो, अच्छी समाधि हो। निकलता हुआ सूरज, सूरज की सुंदर लहरें हमको बुद्ध की तरफ दौड़ाती है, धम्म की तरफ दौड़ती है, संघ की तरफ दौड़ाती है। गुनगुने पारी के साथ में, तीन गिलास गुनगुने पारी के साथ में जिंदगी हो, न विकार होगा न कोई आजार होगा। पानी ही औषध है, डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। शुद्ध पानी हो, शुद्ध आहार हो, शुद्ध विहार हो, शुद्ध व्यायाम हो, शुद्ध विचार हो, शील हो, समाधि हो, मेडिटेशन, बुद्धं शरणं गच्छामि। Shut up.
ध्यान क्या है? इस छोटी सी घटना को समझें। चांद सिंह संबंध में कहा जाता है, वो बड़ा कवि था, बड़ा सौंदर्य पार्क था। कहते हैं उस चीन में उसके जैसा सौंदर्य का दार्शनिक नहीं था। उसने जैसे सौंदर्य शास्त्र पर एस्थेटिक पर बहुमूल्य ग्रंथ लिखे किसी ने नहीं लिखा। उन पुराने दिनों का क्रूश था। 20 साल तक वो ग्रंथों में डूबा रहा, सौंदर्य क्या है इसकी तलाश करते रहा। एक रात आधी रात किताबों में डूबा डूबा उठा, प्रदर्शन खाया, द्वार के बाहर झांका, पूरा चांद आकाश में था। जैसे ध्यानस्थ खड़े थे, मर समीर बैठी थी। उस समीर पर चढ़कर फूलों की गंध उसके नाथापुटों तक आई। कोई एक पक्षी, जल पक्षी, जोर से चीखा और जल पक्षी के चीख से कुछ घटित हुआ, कुछ घट गया। चांद सिंह अपने आंख से ही बोला, आज मिस्टेकन आई वाज रेज द स्क्रीन एंड सी द वर्ल्ड। कैसी मैं भूल में भरा था, कितनी भूल में था मैं। पर्दा उठाओ और जगत को देखो। 20 साल किताब में मैं सौंदर्य में प्रकाश नहीं पार सका। पर्दा हटाया और सौंदर्य सामने खड़ा था। साक्षात तुम पूछते हो ध्यान क्या है? ध्यान है पर्दा हटाने की कला। और ये पर्दा बाहर नहीं है, ये पर्दा तुम्हारे भीतर अंदर है। ध्यान है पर्दा हटाना है। पर्दा बुना है विचारों से, विचार के तानों बानों से पर्दा बुना है। अच्छे विचार, बुरे विचार, इन ताने बाने से पर्दा बुना है। जैसे जैसे तुम विचारों के पार झरपने लगोगे, विचारों को ठहरने में हो जाओगे, विचारों के हटाने में सफल हो जाएंगे, वैसे ही ध्यान का जाएगा। मेरे विचार दसर का धाम ध्यान है। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर, जब तुम तो हो, जगत तो है और दोनों के विचार विचार का पर्दा है। मैं सूरज को उगते देखकर, पूरे चांद को देखकर, कभी इंसान को देखकर, इंसान के गुलमोर के फूलों के ध्यान देखते हुए, तुम हो, तुम गुलमोर है, सजा दुल्हन की तरह है और बीच में कोई विचार नहीं, इतना भी विचार नहीं है। गुलमोर का विषय है, इतना भी विचार नहीं। ये फूल सुंदर है, इतना भी विचार नहीं। शब्द उठ नहीं रहे, आवाक मौन, ये शब्द तुम रह गए हो। उस घड़ी का नाम ध्यान है। पहले तो शशांक होगा, कभी कभी होगा, और तुम जब चाहोगे नहीं तब तक नहीं होगा, जब होगा तब होगा, क्योंकि चाल की बात नहीं, चाल में तो विचार आ गया। ये तो कभी कभी हो गया। ध्यान के संबंध में एक बात ख्याल में रखो, पकड़ लेना, खूब गहरे पकड़ लेना, ये तुम्हारी चाह से नहीं होता। ये इतनी बड़ी बात है, तुम्हारी चाह से नहीं होगा। ये कभी कभी अनायास किसी शांत सर में हो जाता है। तो हम करें क्या ध्यान के लिए, हम क्या करें? यही तुमने पूछना चाहा कि ध्यान क्या है, कैसे करें ध्यान के लिए। हम इतना ही कह सकते हैं, अपने को शीतल करें, दौड़ धाप से थोड़ी धाप से रुक जाए, घड़ी पर को 24 घंटे में सब आपाधापी छोड़ दे, लिखी तकिया लेट गए, लाज गए।
टिक गए वृक्ष के साथ, आंखें बंद कर लिए, पहुंच गए नदी तट पर, लेट गए रेत पर, सुन नदी के गले की कल्पना होती है। मंदिर मस्जिद जाने को मैं नहीं कह रहा हूं कि पत्थरों में कहां ध्यान है, तुम जीवंत प्रकृति को खोजो। बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा जंगल को चले जाओ। बुद्ध ने कहा वहां प्रकृति का नाश होता है, 24 घंटे वार होंगे तो उतने कभी न कभी तुम्हारे बावजूद किसी क्षण में अनायास प्रकृति पकड़ लेंगी। एक क्षण को द्वार खुल जाए, एक क्षण को पर्दा हट जाए तो धन का पहला अनुभव होगा, और पहले अनुभव के बाद आसान अजमत हो। आसान इसलिए हो जाते हैं, तभी तुम्हें एक बात समझ में आती है, सीधे सीधे धन को प्राप्त करने का कोई उपाय ना है, ये परोक्ष मार्ग है। तुम शिथिल रहो, आस्था से चलो, आपाधापी छोड़ दो। 1 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए रखो, लीन हो जाओ प्रकृति में। संगीत सुनो दोस्तों, संगीत सुनो, यही ध्यान है, यही ध्यान। Hello, welcome to introduction to BSV theory. यही ध्यान है, यही ध्यान है, यही ध्यान। आहार, विहार, व्यायाम, विचार, शील, समाधि और मेडिटेशन। ध्यान संगीत है, ध्यान पेड़ है, ध्यान पौधे है, ध्यान गीत है, ध्यान मधु। आहार, विहार, व्यायाम, विचार, शील, समाधि, मेडिटेशन, मेडिटेशन। दिल हो
करे घबराए, धन कम करे गर जाए, एक भूत आए दुआनी से तेरी अकियों से गर जाए, हम करे घबराए, घन घन करे जाए, भूत वाणी से मोरे अतियों से करता।
हर आदमी अपने धर्म को मानता है, अपने धर्म को मानता है, हर धर्म अच्छी बातें कहता है, हर धर्म किसी की बुराई नहीं कहता, हर धर्म प्रेम कहता है, हर धर्म सभी को चाहता है। जाओ गरीबों की बस्ती में, उनका दुख देखो, उनका दर्द देखो, उनकी तड़प देखो। मेरे साथियों, ये मेरे खुदा तेरा दर्द का है, ए मेरे खुदा तेरा दर्द किधर है। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अरे मनी नहीं भाव देव मला पाव, देव अशाने मिळायचा नाही रे। तुकड़ा विद्यापीठ है, तुकड़े हमारा बच्चा भी खड़ा है सीनेट के लिए, तुकड़ो जी विद्यापीठ। अरे कम पढ़े लिखे लोग, लेकिन दिल कितनी अच्छा है। तो आयो तुकड़े जी के आवाज में डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। जाना मिलना कहीं रे, बाजार का बाजी पाला नहीं रे, बाजार का बाजी पाला नहीं रे, नहीं बाव मने देवा मना पाऊं। देव त्याला चोरा चाबे, देव त्याला अगणी चाबे, बाजारचा भाजी पाला नाही रे, बाजारचा भाजी पाला नाही रे, बाजारचा भाजी पाला नाही रे।
बाव मने देवा माला पाओ, अरे मनी लाई बाव मने देवा माला पाओ, देवा अजाने मिलाई सा रे राजा का भागी पाला मने रे राजा का भागी पाला मने रे देव चला तू नाचा, अरे देवाचा देव चला नाही रगड़ाचा, देव दला नहीं रगड़ाचा, सा देव दला नहीं रगड़ाचा, देशा न मीरा चमीरे हर मन नहीं भाव मने देवा माओ, देवी भाव मने देवा माला पाओ, देवी भाव मने देवा माला पाओ, भाव तीर्थ देवी संताची वाणी आचारा वाचून पाहिला का कोणी, आचारा वाचून पाहिला का कोणी, अशाने मिळायचा नाही रे अरे मरी नाही भाव मने देवा माला पाव, नाही भाव मने देवा माला पाव, मरी नाही भाव मने देवा माला पाव, तू अशाने मिळायचा नाही रे। अरे मनी नाही भाव मने देवा माला पाव, देव जान मिळायचा नाही रे देव बाजारचा भाजीपाला नाही, बाजारचा भाजीपाला नाही। पाव अरे मनी नाही भाव मने देवा माला पाव, देव जान भेटायचा रे बाजारचा भाजी पाला नाही, भाव मने देवा माला पाव, भाव मने देवा माला पाव, देवा जान भेटायचा नाही रे देव त्याला पाण्याचा भेव, अतीचा देव त्याला पाण्याचा भेव, अंधीचा भेव त्याला चोराचा देव,
नागाचा देव त्याला अगणीचा देव देवाच्या जा बागी पाला रे दाता बागी पाला बाबा साहब आंबेडकर इतना इजी नहीं है बनना, बाबा साहब आंबेडकर इतना इजी नहीं है बनना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। संविधान लिखा हमारे बाबा साहब ने, बाबा साहब की मेहनत से हम जीते हैं। एक जमाने में लोग हमको पानी नहीं देते थे, हम तड़पते थे, मरते थे, लोग छूते भी नहीं थे, और वो हमारा बाबा साहब आगे बढ़ा। अनिल खोपड़े, पंकज कुमार संकलन, भारतीय घटना के शिल्पकार। Thank you.
कर पूजा सद्गुणों की
सिद्ध है वो सिद्ध है।